ओला रैपिडो में ऐसी बाइक चलाना, मैं वही बता रहा हूँ, मैंने कहा ऐसी बाइक चलाना बाइक टैक्सी में, समझ सकते हो मतलब कितना ज्यादा बाइक का क्रेज होगा बंदे को। वजीराबाद आए और सिग्नेचर ब्रिज ना देखा तो क्या देखा। तो दोस्तों ये है अपने योगेश भाई, ये चलाते हैं रॉयल इनफील्ड ये वाली ओला उबर रैपिडो में, और जब ये लेके जाते हैं कस्टमर के पास तो कस्टमर कहते हैं भाई आज फर्स्ट टाइम आई है रॉयल इनफील्ड हमारे लिए, और मज़ा आ जाता है लोगों को। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। hey दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हूँ आपका दोस्त विश्वनाथ, एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आपने जैसे देखा कि रॉयल इनफील्ड से भाई जो अपने चला रहे हैं ओला और रैपिडो चला रहे हैं, तो अपने आप में आपको पता लगता है कि ये बंदा जो है ज़रूर शौक पर्पज़ से चला रहा है। तो क्या है स्टोरी अब हम पूछते हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं भाई ये, और वो ये हैं, ये देखो मिलो इनसे। हेलो। तो दोस्त क्या नाम है आपका? सर योगेश यादव। योगेश यादव जी दोस्तों, और अभी हम लोग खड़े हैं ये देख लो सिग्नेचर ब्रिज में, और धूप आ रही है टकाटक। क्या बिल्कुल सर, और थोड़ा बहुत आवाज़ का कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, वैसे मैं जितना हो सकेगा पॉसिबिलिटीज़ की नॉइज़ कैंसिलेशन कर दूंगा फिर भी। और सामने यमुना जी बह रहे हैं, तो चलो मेन टॉपिक पे बात करते हैं। योगेश जी आप बताओ कि मतलब ऐसा क्या हुआ कि ये, मैं थोड़ा सा बता दूं वैसे योगेश, yes. क्या हुआ था ये ना, बाइक जो है मुझे इन्होंने कहानी बताई कि ये बाइक जो है ये बेचने जा रहे थे, तो इनका एक पड़ोस में ही है और उनका नाम क्या है? अंकुर। अंकुर अंकुर नाम है उनका, तो थोड़ा ज़ोर से बोलना है ना ट्रैफिक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकुर उनका नाम है, उन्होंने इसको आइडिया दिया कि भाई योगेश इसको बेच मत तू और ये काम शुरू कर दे, तो फिर आपने शुरू कर दिया। बिल्कुल सर। तो अपनी जवानी कुछ कहानी बता दो। मैं सर अपनी बाइक सेल करने ही जा रहा था, क्योंकि सर मेरे को मतलब खड़ी खड़ी सर बहुत बुरी लग रही थी बाइक ये। अच्छा। तो मैं जब ये सेल करने जा रहा था, मेरा वहाँ फ्रेंड मिला और उस फ्रेंड ने मेरे को ये एडवाइस दी कि भाई तू इतनी बाइक को बेच क्यों रहा है। जब मतलब तूने अपनी मर्जी से अपने शौक से तूने बाइक ली है तो वो तेरा राइडिंग का शौक है, और मेरे को सर वाकई में राइडिंग का शौक है। जब मैं इस काम में नहीं था, ओला रैपिडो जो है, मैं सर जब इस काम में नहीं था तो मैंने मतलब बहुत राइड ली है, और मैंने वैसे ही मतलब चलाता था बाइक। तो अभी कितना कमा लिया तब से जब से चला रहे हो? सर कमाने का तो कुछ नहीं सर, कमाया तो मैंने सर मैं कहूँगा शायद मैंने कुछ नहीं कमाया, बट हाँ एक पॉजिटिव वाइब होती है जब मैं किसी भी कस्टमर को अगर ड्रॉप करता हूँ या पिक करता हूँ, तो वो एक जो आती है उनके चेहरे पर जो स्माइल आती है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी ओवरऑल, और मेरा राइडिंग का शौक बहुत अच्छे से पूरा हो रहा है, ये मुझे बहुत खुशी है सर इस चीज़ की। लोग इससे ना घर परिवार चलाते हैं, मैं बहुत सारे वीडियो ऐसे डाला हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप शौक पर्पज़ से चलाते हो ना, जब आप शौक पर्पज़ से शुरू करते हो धीरे धीरे उसको अपने प्रोफेशनल बनाते हो, तो आपको अलग मज़ा आता है। और अगर आप सिर्फ कमाई पर्पज़ से निकल जाओगे ना भैया मुझे इससे कमा के करना है, फिर तो आप नहीं कर सकते। नहीं सर बिल्कुल सर, वही चीज़ मतलब मैंने अभी, मेरे को समथिंग 1.5 महीना हो गया है। अच्छा। और 1.5 महीने से सर मैं प्रॉपर राइड मारता हूँ, चाहे मैं आधे दिन चलाऊँ लेकिन सर चलानी ज़रूर है। अच्छा। और मेरे को सर खुशी भी होती है कि मतलब अभी मेरे को फाइनली इतना अच्छा लगता है कि हाँ यार मैंने बुलेट लिया, तो मेरा बुलेट का पर्पज जो था लेने का वो मेरा भी कंप्लीट हो गया। अच्छा। हाँ सर वो चीज़ अब बेचना नहीं है? अब नहीं बेचनी सर, अब कभी नहीं बेचनी। अब मेरा जो नेक्स्ट है सर वो है मेरा GT कॉन्टिनेंटल का, अगर इन फ्यूचर मैंने कभी ली। अच्छा। तो सर ये प्रॉमिस है कि मैं उसको भी सर इसी में ही अटैच करूंगा। ओके। ये सर अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, उस दौरान 2-4 पुलिस वाले गए गाड़ी में, वो देख देख के चले गए, एक वो सामने पीछे रोका, उनको बोला, लेकिन हो सकता है शायद हमारा कैमरा देख के नहीं रोका, मतलब सोच रहे होंगे कुछ कर रहे हैं छोड़ो इनको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो थोड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल सर। तो भाई देखो पैशनेट हो अगर बाइक को लेकर, तो जैसे योगेश देख लो इससे चलाते हैं रॉयल इनफील्ड से रैपिडो वगैरह में, मतलब बेचने जा रहे थे वापस ले आए और इससे, तो एक कस्टमर ऐसा कोई जो अलग सा बोला, मजा आ गया सुन के ऐसा मेरे कुछ। को कल ही एक कस्टमर मिला था और उनका नाम था उमंग करके नाम है उनका। अच्छा। वो मुझे अपने साथ नेहरू प्लेस ले गए थे मॉर्निंग में। अच्छा। सर मॉर्निंग में भी एक चीज होती है कि मैं ना लॉन्ग राइड लेने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। तो सर वो मुझे मिले थे, तो मैंने उनको नेहरू प्लेस ड्रॉप किया था। सर 28 किलोमीटर की राइड थी, 28 किलोमीटर की राइड समथिंग 45-32 अराउंड की थी। अच्छा। वो सर मुझे पता नहीं चला जब मैंने उनको ड्रॉप किया, बिकॉज उनसे मतलब जो बात करने का तरीका उनका बहुत अच्छा था, मेरा भी बहुत अच्छे से मतलब निकला, वो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। वो कह रहे कि योगेश भाई ये मेरी फर्स्ट राइड है ऑन बुलेट। और भी कस्टमर सर मिले मेरे को, जैसे नोएडा में मैं कई बार गया हूँ, तो नोएडा सेक्टर में भी उन्होंने भी मेरे को यही चीज़ बोली कि भाई आज हम फर्स्ट टाइम ऑन बुलेट। वो ये कहते हैं कि भाई तुम बुलेट चलाते क्यों इसमें, तो मैंने बोला भाई कमाने का पर्पज से नहीं, बस सिर्फ अपना राइडिंग का शौक है, वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो भाई शौक बड़ी चीज है। यस सर बिल्कुल बिल्कुल। चलो मैं तो भाई यही कहूंगा, शौक के संग संग थोड़ा पैसा आ जाए तो और बढ़िया है। सर बिल्कुल, वो भी आपके बात ठीक है। तो बट अच्छा, ये अच्छा लगा कि आप शौक पर्पज से चला रहे हो, और जो शौक पर्पज से कुछ करता है ना, और उसको अगर पैसा आने लगता है
फिर वो उस फील्ड में बहुत आगे जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात, क्योंकि जीता जागता एग्जांपल मैं हूँ। नहीं सर बिल्कुल मैं, और सर मैं ये भी बताना चाहूँगा आपसे भी सर, मैं उसी टाइम मोटिवेट हुआ था जिस दिन मैंने सर आपकी वीडियो देखी थी, एंड मैंने जब कमेंट किया था मैंने वही पूछने के लिए क्वेरी थी, क्वेश्चन था, जब सर ने मुझे बताया तो बस सर ने जैसे ही मुझे मतलब हैट्स ऑफ बोला तो बस मेरे लिए वो मोमेंट बहुत स्पेशल था। देखो यार अपना योगेश एक बात बोलता हूँ, ऐसा मैं कुछ लोग ना मतलब गाली कर देते हैं अगर मैं सर, हेटर्स हैं, चार पाँच घंटे का रिप्लाई नहीं करूँ ना, जैसे मैं राइड पे हूँ और रिप्लाई नहीं आता है तो कुछ लोग इस तक गुस्सा हो जाते हैं, कहता है यार रिप्लाई तो करता नहीं है। नहीं सर होता है, बिल्कुल गाली दे के बोल देते हैं सर, पर उन लोगों को बोलूंगा देखो दोस्तों मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, कमेंट में तो 100% करता हूँ, इक्का दुक्का को नहीं कर पाया गलती से तो नहीं कर पाया, अदरवाइज सबको करता हूँ। सर मैंने भी आपकी एक चीज़ नोटिस की थी जब शुरू शुरू में जब आपसे मेरी बात हुई थी, तो मेरे लिए वो टाइम स्पेशल था जब आपने मेरे को आपने रिप्लाई दिया, टाइम निकाल के दिया और उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिया, वो चीज़ सर मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि सर आप बहुत आपका बिजी शेड्यूल है, कोई किसी के लिए खाली नहीं बैठा होता। अब देखो हेट वाला कमेंट करने से पहले मैं यही कहूँगा कि एक बार आप सोच लो कि सामने वाला आदमी आपके लिए टाइम निकाल रहा है, एक रिप्लाई भी अगर दे रहा है तो वो ये सोच लो कि शायद बहुत मुश्किल से टाइम निकाल होगा, वो चीज़ है। तो देखो दोस्तों बस इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि नेवर लूज होप, मतलब उम्मीद से जिंदगी कायम है, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, ठीक है, जिससे जीने का सहारा मिलता है और वो काम जरूर करो जिसमें आप लोगों का मन लगता हो। सर आप तो एंड में आप बोलते हो फॉलो योर ड्रीम, गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर पैशन, हाँ तो वो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग जरूर अपने अपने पैशन को फॉलो करो, बहुत बढ़िया, और पैशन फॉलो करने वाला इंसान जिंदगी में कभी भी काम वही करो जिससे आपको खुशी मिलती है। और सर हकीकत में मेरे को अभी जाके मेरा मोटो मिल गया कि मतलब मुझे करना क्या एक्चुअली में, बस वो चीज है। बहुत अच्छा लगा यार इनका, मैं जब इन्होंने रॉयल इनफील्ड के संग मेरे को इंस्टा पे फोटो भेजा मैं बड़ा खुश हुआ कि यार बंदा रैपिडो चला रहा है, इसमें मेरे को देख के मैंने कहा यार रैपिडो चला रहा है। सभी लोग शॉक्ड होते हैं जिसके पास में अभी तक मैं ओवरऑल गया हूँ, 95-90 अराउंड मैंने ट्रिप मारी है, तो सभी लोग वो यही कहते हैं भाई आज हमारी फर्स्ट राइड है ऑन बुलेट, भाई हमारी आज फर्स्ट राइड है ऑन बुलेट, तो सर मैं बहुत खुश होता हूँ। इतना ही कमेंट सुन लिया, मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि मतलब क्या मेरे को वो पे कर रहे हैं, जो भी उनका जो अमाउंट बनता है ड्राइव का, लेकिन बट ये मतलब जो वो उनका मोटिवेट आता है ना, वो पैसे पैसा कोई इतना नहीं बोल दिया, मुझे बहुत खुशी होती है। कई बार सर कस्टमर ऐसे भी मिलते हैं जो बिल्कुल चुप ही जाते हैं, मैं बुरा नहीं मानता, होते हैं सर, हर तरह के कस्टमर हैं सर, वो चीज़ है। ठीक है दोस्त, एक छोटा सा बस आप लोगों के लिए योगेश भाई का इंटरव्यू लाया मैं आप लोगों के लिए, तो ये योगेश जी थे और ये इनका रॉयल एनफील्ड, एक बार देख लो आप लोग, ये चलाते हैं अपने रैपिडो ओला में। ठीक है इस वीडियो को दोस्तों हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, कहाँ से सिग्नेचर ब्रिज से मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम, तुम बोलो एक बार, गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम, फॉर योर ड्रीम्स, थैंक यू सो मच। अपने सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। बहुत अच्छे सर हैं, बहुत अच्छे, मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, आई होप लाइफ में किसी को भी अगर हेल्प की जरूरत होगी तो सर बहुत मोटिवेट। अरे मैं अपनी पॉसिबिलिटीज करूंगा, अगर आप दिल्ली एनसीआर हैं तो पॉसिबिलिटीज करते हैं, जरूर मिलूंगा। मैं निराश नहीं हुआ, मैं खुद एक मतलब सब्सक्राइबर हूं सर का, मैं निराश नहीं हुआ, तो आई होप कि सर किसी को निराश नहीं करते। वो जाने वाले भैया देखते जा रहे हैं कर क्या रहे हैं लोग इतनी देर से।